गुम है किसी के प्यार में आप देखेंगे कि उथल पुथल मची हुई है। सभी की बड़ी आजी ईशान को इनवाइट करने जाएगी। सभी ईशा से माफी मांगेगी। शांतनु ईशान को बताएगा कि उसने ही सभी को ईशान की जिंदगी के बारे में बताया था। इस प्रोग्राम में अब आप आगे देखेंगे कि भवानी सभी का सम्मान करने के लिए रामटेक बुलाएगी। उधर समृद्ध जेल से बाहर आ जाएगी। ईशान सभी पर गुस्सा निकालेगा और कहेगा कि वो अपना चेहरा ना दिखाए। सभी कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी लेकर गांव जाएगी। सभी को पता चलेगा कि बड़ी आजी और वीनू ईशान के पास गए हैं। सभी सिक्योरिटी को रोकने के बाद भी ईशान के केबिन में घुस जाएगी। ईशान भवानी के सामने सभी को बेइज्जत करेगा। भवानी ईशान को इनवाइट करेगी और ईशान कहेगा कि उसके पास टाइम नहीं है। शांतनु ईशान से बात करेगा। शो में आप देखेंगे कि सभी कॉलेज क्लर्क को एप्लीकेशन देगी। तब तक शुक्ला जी उसे बताएंगे कि उसकी बड़ी आजी और वीनू ईशान से बातें कर रहे हैं। भवानी ईशान को सम्मान समारोह में बुलाएगी। ईशान कहेगा कि क्या उसे सभी ने भेजा है। भवानी कहेगी कि सभी को पता नहीं है। भवानी बताएगी कि समृद्ध के मामले में सभी ने जो किया उसके लिए सम्मानित करना है और चाहती है कि ईशान भी आए। इस बीच सभी गार्ड्स के रोकने के बाद भी ईशान के केबिन में पहुंच जाएगी। सभी घर पहुंचेगी तो वीनू और भवानी याद दिलाएंगे कि ईशान ने सबकी कितनी मदद की। आजोबा आज उसी की वजह से जिंदा है। कॉलेज में ईशान को पता चलेगा कि रीवा के पास अमेरिका यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है। वो परेशान होगा कि वो ऐसे कैसे जा सकती है। रीवा उसके पास आएगी तो ताना मारेगा कि अब नया मौका मिलने पर वो फिर चली जाएगी। इस पर रीवा बोलेगी कि उसे जाना चाहिए और वो कहीं नहीं जा रही। शांतनु ईशान से बात करने पहुंचेगा और सभी ईशा से माफी मांगेंगे। ईशा उसे गले लगाएगी। शांतनु ईशान को बताएगा कि शांतनु की जिंदगी की कहानी सभी को ईशा ने नहीं बल्कि उसने बताई थी। अक्का साहिब ये बातें सुन लेंगे। ईशान कहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने का बताया, अब तो उसकी जिंदगी का तमाशा बन सकता है। शांतनु ईशान से पूछेगा कि सब सच सुनने के बाद उसकी ईशा के बारे में क्या राय है। ईशान कहेगा कि उसके लिए उसकी आई बड़ी माँ अक्का साहिब है। शांतनु कहेगा कि अक्का साहिब को माँ का दर्जा दे, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि सच जाने के बाद ईशा को अपनी माँ मानता है या नहीं। ईशा सभी से कहेगी कि उसका इरादा भले ही सही था लेकिन जो हुआ वो गलत था। सभी कहेगी कि दिक्कत ईशा या उसमें नहीं बल्कि ईशान में है। प्री कैप में दिखाया जाएगा कि ईशान सभी को सम्मानित करने राम